नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पहाड़ी सफारी में। नमस्ते दोस्तों, तो आज दो दिन की धूप के बाद फिर बादल छा गए हैं और कोहरा भी ज़बरदस्त हो गया है ऊपर, और हमारा जो काम चल रहा है वो भी बारिश के वजह से थोड़ा रुकेगा। अब देखते हैं बारिश का क्या करें, अब होगी तो होगी, बारिश नहीं होती है तो काम हमारा स्पीड पकड़ेगा। तो चलो कोहरा वगैरह दिखाते हैं आपको आज यहाँ का व्यू। तो सुबह सुबह मुक्तेश्वर की सुबह तो सुबह सुबह का नज़ारा मुक्तेश्वर की पहाड़ियों का। तो सबसे पहले हमेशा की तरह आपको मुक्तेश्वर महादेव जी का मंदिर, लेकिन आज एकदम बादल और कोहरा लगा है बहुत भयंकर। आज तो कोई पहाड़ भी नहीं दिखाई दे रही है, मंदिर तो बहुत ही हल्का मंदिर कह सकते हैं आप। बहुत ही सुंदर नज़ारे जो हम आपको हमेशा दिखाते रहते हैं, और इन नज़ारों के पीछे हमारा एक पर्पज़ भी होता है कि आप लोग भी अवश्य अपने आने का बनाएं। केवल इसलिए नहीं हम दिखाते कि दिखा रहे हैं अच्छा है, कि कभी देखिए समय निकालिए आने के लिए। व्यस्तता तो पूरी जीवन भर लगा रहेगा, काम हमेशा लगा रहेगा, कभी ख़त्म नहीं होगा। तो बहुत ही सुंदर वैली का व्यू, पंछियों की आवाज़, यहाँ तीतर बहुत हैं, चिड़ियाँ हैं काफ़ी तरह की, और फिर बारिश का आज बन गया। हालांकि अलर्ट नहीं था, लेकिन अब शायद बारिश का होगा, काफ़ी दिक्कतें आ रही हैं बारिश में। और मेरे सामने चारों की मम्मी आज क्या, और अब फ्रूट्स की बात भी थोड़ी बताएं कि अब प्लम और आड़ू तो ख़त्म हो गए, वैसे कहीं कहीं लग रहे हैं अभी आड़ू, लेकिन अब नाशपाती की पैकिंग शुरू हो गई है। हाँ कलम आ रहे तो देखा वहाँ, तो काफ़ी अच्छी मतलब नाशपाती है यहाँ की, बड़ी भी और मतलब टेस्टी भी। हमारा भी है पेड़ हमारे पेड़ से तो सब तोड़ खाए रहे हैं लोग, तो लग रहा है कुछ बचे गए नहीं। जो लोग काम कर रहे हैं यहाँ वो दिन भर में देखता हूँ कि खूब अपना लगे, अच्छी बात है, उन्हें अच्छा लग रहा है। चलिए फिर दोस्तों, आज आपको नाश्ते का वीडियो दिखाते हैं। आज कुछ लोकल चीज़ें मिली हैं, अभी मैं किचन में लेके चलता हूँ आपको। और दोस्तों आज नाश्ते की तैयारी कर रही हैं चारों की मम्मी, आज कुछ विशेष है हमारे यहाँ तो बताएंगी। हाँ जी, क्या आज बन रहा है विशेष नाश्ते में? विशेष तो एक बार पहले भी बनाया था, लोकल गोभी मिल गई थी जब हम कल गए थे उत्तराखंड। हाँ बहुत ही बढ़िया से मिली थी, खेत की है, बहुत ही बढ़िया लग रही देखने में। तो पिछली बार की बड़ी थी, लेकिन इस बार की थोड़ी छोटी है, बड़ी अच्छी है, प्यारी देख, प्यारी है, खाने का मन नहीं कर रहा है। आलू भी हमने लोकल लिया था, और ये पड़ोसी हमारे जिनके आलू की खेती हुई है इस बार बहुत, तो आलू भी आज बनेगा, ये देखते हैं कैसा टेस्ट होगा लोकल चीजों का। और काफी चीजें मिल जाती हैं इनसे, बथुआ है, धनिया है, वरना सब्जियों की कीमत तो आजकल मतलब बहुत ज्यादा हो रखी है बरसात में। तो चलिए दोस्तों फिर नाश्ते में मिलते हैं। और ये कुछ दिखा रही है चारों की मम्मी आजकल, हमने वैसे दोस्तों ये आरओ लगता है देखने में, बट दिस इज़ नॉट आरओ, ये फिल्टर है और बहुत ही सस्ता है, मुझे लगता है शायद 2800 रुपये का ही हमें मिला था। तो पहाड़ में आरओ तो कामयाब नहीं है जैसा सुना है, लेकिन आजकल बताओ भाई कैसे पी रही है पानी? पानी फिल्टर तो होता ही है, लेकिन फिर भी हम उबालते और ठंडा करके गुनगुना पीते हैं। बहुत अच्छा रहता है बारिश में उबाल, पानी आजकल थोड़ा वैसा मटमैले सा आ जाता है, जबकि हम साफ पानी मंगवाते हैं, लेकिन फिर भी थोड़ा बरसात के टाइम पे। और पंछियों की बहुत प्यारी आवाज, हाँ जी, और तैयारी हो गई गोभी, ज़्यादा बन गए हैं, हाँ ठीक है, सब्जी बननी चाहिए। पहाड़ का फ्रेश खेत से आया हुआ और आज हमारे टिन भी आ गई हैं, जिंदल स्टील की टिन है ये 20 फुटी, जो छत के काम में आएंगी।
हाँ जी, और नाश्ते की तैयारी? बस बन गई परांठा। वाह, गोभी आलू है तो तुम परांठा। हाँ दिखाइए, सब्जी दिखाओ भाई, कैसे है? सब्जी बन गई, अभी थोड़ा अंधेरा सा हो गया। और अब नाश्ता लग रहा है हम लोगों का। सबसे पहले निक्की के लिए, निक्की भी आ रही नाश्ते के लिए। तो आज इन्होंने बनाया है आलू गोभी, लोकल गोभी मिल गई हमको, और आलू तो हमारे पड़ोस का ही है, पड़ोसी को जो खेत है उन्हीं में से आलू आया है ताज़ा, तो खाने का टेस्ट अलग ही होगा ताज़ी सब्जियों का। आ जाओ भाई निक्कू। आ गई भाई निक्कू। हेलो, आ गए भाई। हेलो निक्कू, उड़ गए। हेलो, चलो भाई नाश्ता करो। है निक्की को बहुत पसंद है भाई। निक्की अभी सो के उठ रही है तो थोड़ा अभी, अब नाश्ते की तैयारी है। हेलो हेलो भाई, चलो भाई निक्कू अपने रूम में जा रही है नाश्ता लेके। अपने दर्शकों को कि हम लोग क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, कैसे रहते हैं पहाड़ में, बहुत से लोग जानना ही चाहते हैं। अच्छा टेस्ट आ रहा है, नेचुरली थोड़ा डिफरेंट है मार्केट से, तो गोभी भी लोकल हो गई, आलू भी लोकल है। और चारू की मम्मी खाना तो हमेशा अच्छा बनाती है, उनकी तारीफ भी करना जरूरी है। तो गाड़ी भी आ गई मुझे लग रहा ऊपर ना, तो साथ साथ भी गाड़ी आ गई है हमारे यहाँ, सामान आ रहा था काफ़ी, लकड़ी है आई हैं, कुछ बल्लियाँ आई हैं, टिन शेड आई हैं, जिंदल स्टील की है वो। तो अभी मैं ऊपर जा रहा हूँ, फिर आपसे मिलते हैं फिर दोबारा। और आज हमारी गाड़ी आ गई है, फिर इसमें पाइन आए हैं, बल्लियाँ आई हैं, फट्टे आए हैं और नल्ले। ये हमारा हरिशंकर और ये गाड़ी वाले भैया खड़े हैं, ये भूरा सब तैयारी में लगे हैं। आज दो गाड़ी आ गई है हमारी, एक तो स्टील की वो आई है, टिन शेड आया है, और आज हमारे इस दीवार का काम भी हो रहा है। ये दीवार टूट गई थी, इस दीवार का काम भी कराया जा रहा है आज। दीवार इधर दूसरी टीम आके काम कर रही है, बरसात में काफ़ी नुकसान हो जाता है पहाड़ में। और दोस्तों शाम मुक्तेश्वर की देखिए कितना सुंदर दृश्य है ये, आज हम आपको दिखा रहे हैं अपने वीडियो में। मुक्तेश्वर की शाम भी दिखा रहे हैं, बहुत ही सुंदर लग रहा है। तो चलिए दोस्तों इसी नज़ारे के साथ वीडियो का एंड करते हैं, कुछ बोलेंगी लास्ट में चारू की मम्मी। ठीक है दोस्तों, हमारे साथ देखते रहिए ये नज़ारे और स्वस्थ रहें, मस्त रहें, घूमते रहें हमारी तरह। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और पहली बार आए तो सब्सक्राइब भी जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।